हेलो दोस्तों, आज हम खेलेंगे स्क्विड गेम्स। ये तो वो बच्चों वाली गेम है ना, जिसमें वो गुड़िया ग्रीन लाइट और रेड लाइट बोलती है। अरे हाँ, लेकिन ये कोई बच्चों वाली गेम नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक गेम है। ओ नो, ये देखो यहाँ पर कितने ज्यादा प्लेयर इकट्ठा हो चुके। अरे ये पूरे 100 प्लेयर है, अब इनमें से जो बचेगा उसी को मिलेंगे ढेर सारे पैसे। और ये देखो, अब यहाँ पर गेम स्टार्ट होने वाली है। अरे हाँ यार, यहाँ पर खाली 5 सेकंड रह गए, 5 सेकंड के बाद हमारी गेम स्टार्ट हो जाएगी। किस किस को यहाँ पर डर लग रहा है? अरे यार, मुझे तो बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अरे जो डर गया समझो मर गया। सही कहा, या फिर जो डर गया वो समझो घर गया। अरे चलो गाइस, यहाँ पर अब गेम स्टार्ट होने वाली है। 3, 2, 1 गो। चलो गाइस, यहाँ पर देखते हम कहाँ पर पहुँच चुके। अरे ये देखो, ये तो वो फ्रंट मैन है और ये कुछ फोड़ रहा है। तो गाइस, तुम सब यहाँ पर आ चुके हो मौत का खेल खेलने। क्या मौत का खेल? अरे नहीं, हम तो स्क्विड गेम खेलने आए थे। अरे बेवकूफ, उसी को मौत का खेल बोलते हो। और ये देखो, इसमें हम ढेर सारे पैसे डालेंगे, जो भी यहाँ पर गेम को जीतेगा ये सारे पैसे उसको मिल जाएंगे। अरे यार, ये तो बहुत ज्यादा पैसे होंगे, इससे हम कितना कुछ खरीद सकते हैं। अरे पहले बच तो जाए, मुझे लगता नहीं कि हम यहाँ पर बच पाएंगे। हे, ये सब गेम पिद्दी जैसी है, इनको तो मैं आसानी से पार कर दूंगा और यहाँ पर मैं जीत के दिखाऊंगा। अरे चलो गाइस, अब हमें फटाफट से जाना है गेम खेलने के लिए। लेकिन ये देखो, यहाँ पर तो ये लाल टमाटर है। हेलो लाल टमाटर, कैसे हो? अबे निकल बे यहाँ से, तेरी गेम स्टार्ट हो गया, तू यहाँ पर गप्पे लड़ा रहा है। अरे चलो गाइस, यहाँ पर फटाफट से हमें जाना होगा। ओड़ी बाबा, इतना ऊपर। इतना ऊपर जाऊंगा तो मेरी टांगे दर्द करने लगेगी। अरे बेटा, तुझे गोदी में डाल के ले जाओ, चुपचाप मेरे साथ चल। अरे देखो, यहाँ पर हम कितनी ज्यादा पीछे। चलो गाइस, फटाफट से चलते अपनी गेम की तरफ, कहीं हम लेट ना हो जाए। ये देखो, ये रही वो लाल गुड़िया वाली गेम, जिसमें वो लड़की बोलती है किची काचू कुचू काचू। अरे बेवकूफ, वो चाइनीज लैंग्वेज बोलती है, जिसका मतलब है ग्रीन लाइट और रेड लाइट। और जब भी वो गुड़िया रेड लाइट बोलेगी हमें रुकना होगा, और जब वो बोलेगी ग्रीन लाइट तो हमें यहाँ पर चलना होगा। समझ गया, ग्रीन मतलब चलना, रेड मतलब रुकना। अरे हाँ यार, चलो यहाँ पर गेम स्टार्ट होने वाली है और हमारे पास खाली 3 मिनट है। चलो गाइस, यहाँ पर ग्रीन लाइट हो चुकी है, यहाँ पर भागते। अरे रुको, मुझे लगता है वो रेड लाइट बोलने वाली है। अरे अभी कुछ नहीं बोलेगी। अरे ये क्या, उसने बोल दिया क्या? उसने हमें देख तो नहीं लिया। हम सही टाइम पे रुक गए थे, चलो दोबारा से ग्रीन लाइट हो चुकी है, भागते। ये क्या, यहाँ पर तो गोलियाँ भी चल रही है। अरे बेवकूफ, जो रेड लाइट में भागेगा तो गोलियाँ चलेगी ना, अभी वो लड़की भी मरेगी क्योंकि वो रेड लाइट में चल रही थी। देखो यहाँ पर कितने लोग मर चुके। अरे यार, मुझे नहीं मरना, मैं यहाँ पर गेम नहीं खेलूंगा, मैं गेम छोड़ के जा रहा हूँ। ऐसे बेवकूफी मत करना, हम गेम के अंदर आ चुके हैं, नहीं तो वो लाल खोपड़ी वाला हमारा लाल खोपड़ा बना देगा। ये क्या, यहाँ पर तो ये बहुत ज्यादा फास्ट है और देखो हम कितनी ज्यादा पीछे। अरे हाँ यार, यहाँ पर सब लोग हमसे आगे निकल चुके हैं, हम देखो सबसे ज्यादा पीछे। लगता है इस बार हम ही मरेंगे, भगवान हमें बचा लेना, भगवान हमें बचा लेना। और लगता है यहाँ पर हम बच जाएंगे, अभी तो हम यहाँ पर गेम को जीत सकते। सही कहा, लेकिन यार यहाँ पर एक गुड़िया हमें पागल कर रही है, यहाँ पर ग्रीन लाइट रेड लाइट बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। अरे एक बार तो रेड लाइट बोल दे या फिर ग्रीन लाइट बोल दे। देखो यहाँ पर ग्रीन लाइट हो चुके हैं, चलो गाइस यहाँ पर तेज तेज भागते हैं, इससे पहले वो हमें पकड़े। ये क्या, अब हमारे पास खाली 2 मिनट है, 2 मिनट के अंदर गेम खत्म होने वाली है। धीरे धीरे काम करते, यहाँ पर धीरे धीरे खेलते, अब यहाँ पर बस आखिरी मौका है, ये आखिरी मौके में हमें निकलना होगा क्योंकि हम सबसे ज्यादा पीछे। चलो गाइस, यहाँ पर हमने गेम को खत्म कर दिया और यहाँ पर हम गेम को जीत चुके। अरे हाँ यार, ये देखो ना, यहाँ पर गेम खत्म हो चुकी है, लेकिन एक गुड़िया तो अभी पागलों की तरह रेड लाइट ग्रीन लाइट बोल रही है। हमें क्या करना, हम तो यहाँ पर जीत चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग पेड़ पे चढ़ के अमरूद तोड़ रहे। अरे यार, पेड़ पे कोई अमरूद ही नहीं है, और देखो ये मेरे प्यारा सा दोस्त है, लेकिन बेचारा ये खेल नहीं पाया, ये इतना पास आके मर गया, और हम देखो यहाँ पर जीत गए। हुर्रे हुर्रे, अभी तो यहाँ पर और भी गेम बची हुई है, इतनी जल्दी खुशी मत बनाओ। अरे हाँ यार, चलो अब देखते दूसरी गेम क्या होने वाली है। वैसे गाइस देखो ना, यहाँ पर हमारा ही फोटो भी लगी हुई है। हे, ये देखो हमारा नंबर 369, और ये देखो ये तो हम ही है, कितने ज्यादा हम सुंदर लग रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर तुम्हारी दूसरी गेम स्टार्ट होने वाली है, चलो उसके लिए फटाफट से रेडी हो जाओ। अरे हाँ यार, चलो गाइस हमारी दूसरी गेम स्टार्ट हो चुकी है। अरे लाल टमाटर, क्या हाल चाल है? अबे तू फिर से आ गया, अबे निकल बे, डूब रहे, नहीं तो इसी गोली से तुझे मार दूंगा। ये क्या दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का तो मजे से सो रहा है। अरे उठ जा, यहाँ पर गेम खत्म हो चुकी है। हे, वो सो नहीं रहा, वो यहाँ पर मर चुका है, उसको किसी ने मार दिया।
इससे पहले कोई हमें मारे, चलो गाइस फटाफट से गेम खेलने चलते। अरे लाल टमाटर तो यहाँ क्या कर रहा है? अबे तू फिर से आ गया, भाग जा नहीं तो इस बारी मैं इतना कचूमर बना दूंगा। अरे जाता हूँ, इतना क्यों गुस्सा कर रहा है? पहले इतना लाल है, ऊपर से और गुस्सा कर रहा है। अरे देखते गाइस हमारी दूसरी गेम क्या होने वाली है। अरे ये क्या, इन चारों डब्बे में से हमें कोई एक डब्बा चूज करना होगा। इसका मतलब क्या है, क्या हमें कोई खाने की चीज मिलेगी? अरे हाँ यार, मुझे लगता है कि जो सा डब्बा हम चूज करेंगे उसके मुताबिक हमें खाना मिलेगा। ये काम करते, हम जाते चौथे डब्बे में, क्योंकि आखिरी के डब्बे में टेस्टी टेस्टी खाना छुपा के रखा होगा। अरे हाँ यार, यहाँ पर हम जाएंगे चौथे डब्बे में। नहीं, यहाँ चलते तीसरे डब्बे में, बीच का डब्बा सबसे बढ़िया। अरे देखते यहाँ पर हमें क्या खाने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ खाने को नहीं, यहाँ पर हमें कुछ बनाना है। अरे हाँ यार, जिस तरह की शेप है हमें उसी तरह की चीजें बनानी है। अरे यहाँ पर सारा प्लान धरा का धरा रह गया, मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पर कुछ खाने को मिलेगा। अरे यार मुझे भी तो लगा था मुझे यहाँ खाने को मिलेगा बर्गर पिज्जा, लेकिन हमें यहाँ पर इस चीज को बनाना है। ये क्या, यहाँ पर तो ये लाल टमाटर है। अब तुम्हें मैं एक चीज दूंगा और जो शेप तुम्हें दिखी है वही तुम्हें बनानी है। और अगर हम नहीं बनाएंगे तो? तो क्या, मैं इस पिस्टल से तेरा खोपड़ा उड़ा दूंगा। अरे बनाता हूँ, देखते गाइस हमें यहाँ पर क्या बनाने को मिला। ये क्या, हमें तो यहाँ पर सर्कल बनाना है, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। अरे यार ये क्या, ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे तो ड्राइंग में भी जीरो मिलता है। अरे लेकिन इस वारी जीरो अंडा ही तो बनाना है, नोबिता तू ही आराम से बना लेगा। अरे हाँ गाइस, वैसे भी मुझे एग्जाम में जीरो मिलता रहता है, मुझे अच्छी खासी प्रैक्टिस है, मैं जीरो तो बहुत ही आराम से बना लूंगा। अरे लेकिन तेरे पास खाली 40 सेकंड बचे। क्या 40 सेकंड? अरे यार 40 सेकंड तो बहुत ज्यादा कम है, कम से कम 2 मिनट तो दो। अरे हाँ गाइस 2 मिनट तो दो, क्योंकि 2 मिनट में हम यहाँ पर नूडल बना के खा जाएंगे। अरे नूडल नहीं, हमें 2 मिनट के अंदर ये सर्कल बनाना होगा, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये क्या नोबिता, तुमने तो अपनी स्पीड बहुत ज्यादा तेज कर ली। अरे क्योंकि मरने का सवाल है, मरने से पहले मुझे यहाँ पर एक बड़ा सा अंडा बनाना होगा। और ये देखो यहाँ पर नोबिता ने तो बहुत ही आसानी से ये अंडा बना दिया। वाह नोबिता, तुम तो यहाँ पर हमें जिता के रहोगे। अरे और नहीं तो क्या, मैं अंडा बनाऊंगा और अंडा खाऊंगा भी। ये तो नोबिता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो हमेशा मैथ में अंडा लेके आता है। क्यों नोबिता? अरे नहीं तो क्या, इतना ज्यादा अंडा लेके आता कि मेरी तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है। और ये देखो ये भी आदमी यहाँ पर सो रहा है। अरे ये सो नहीं रहा, ये यहाँ पर मर चुका है। वैसे गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके वो घंटी भी दबा दो, क्योंकि हमने यहाँ पर सारे लेवल पार कर दिए। वैसे शिनचैन यहाँ पर जाते जाते एक मजेदार शायरी तो सुना दो। सुनाता हूँ। गेम को खेला हमने ऐसा तैसा कि हम यहाँ पर जीत गए सारा पैसा। अरे वाह, क्या मस्त शायरी थी शिनचैन।